हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एग्ज़ाम हो चुका है, तो उस समय तक अब क्या एनालिसिस एग्ज़ाम का, कितना कटअप जा सकता है और क्या पैटर्न होगा और कैसे सब कुछ फॉलो होगा, सो हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें टोटल वैकेंसी 8,415 है, यानी 8,415, उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो था रिटर्न एग्ज़ाम है, उसका फिज़िकल है, ठीक है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट था वो 14/3 को था, यानी 14 मार्च को, और आज था जिस जो कि आपका 21/3 को, यानी अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज था। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है इसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ, और 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, आपको पता ही होगा जब आपने एग्ज़ाम दिया है। तो उसके बाद देखिए कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। रिटेन टेस्ट होगा और फिज़िकल टेस्ट होगा, दो चीज़ आपको पता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कट ऑफ किससे डिसाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो कट ऑफ डिसाइड होने की सबसे बड़ी बात है कि पहला चीज़ तो ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है जो रिटेन एग्ज़ाम है आपका। उसके बाद जो भी मेरिट बनेगा वो आपके फिज़िकल से बनेगा, ठीक है। जो आपको कैंडिडेट लेने हैं वो 5 टाइम्स लेने हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी फिज़िकल के लिए। तो कट ऑफ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा, कट ऑफ बिल्कुल मॉडरेट रहेगा, एवरेज रहेगा। सो हम देखेंगे आगे चल के वीडियो में कट ऑफ क्या रह सकता है। सो उससे पहले देखते हैं ये कौन कौन सा फैक्टर है जो जो आपका कट ऑफ को बढ़ा या घटा सकता है। सो देखिए इसमें तो 3 फैक्टर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम टफ था, ईजी था, एवरेज था, ये पहली चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ें क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, ठीक है। तीसरा जो चीज़ें हैं वो है कैटेगरी अप्लाइड, यानी आपके कैटेगरी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इससे जब बहुत ज़्यादा चला जाएगा चाहे बहुत कम चला जाएगा, एक्चुअल में कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। सो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जो आज के पेपर के बाद जो फाइनल आ रहा है वो जनरल कैटेगरी का 72/72 जाने वाला है। अगर आपको इससे ज़्यादा आ रहा है या 70 तक आ रहा है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिज़िकल पे जोर लगाइए और आपका आने वाले समय शायद फिज़िकल निकल जाए अच्छी तरह से। सो प्लीज़ फिज़िकल में लगे रहिएगा। और अगर आप 68 भी हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका कोई नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में शायद आपको इन करने का मौका मिल जाए। और फीमेल हैं आप तो फीमेल के लिए आपका 65 से 67 जा सकता है कटअप, जो यहाँ देख सकती हैं, जो कि ऐसा है कि अगर 65 है तो बिल्कुल सेफ़ है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है फिज़िकल के लिए। EWS के लिए मेल के लिए 64-68 जा सकता है, ठीक है, और फीमेल के लिए 57-60 जा सकता है। BC के लिए 67-70 जा सकता है और फीमेल के लिए 60-62 जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं EBC के लिए, तो EBC के लिए देखिए 62-65 मेल के लिए और फीमेल के लिए 56-58 जा सकता है। ST की बात करें तो 56-59 जा सकता है और जो फीमेल के लिए है 52-54 जा सकता है। SC की बात करें 58-61 जा सकता है और फीमेल के लिए 53-56 जा सकता है। ये जो मैंने कटअप दिखाया है ये आपका आज कुछ बच्चों का और उस दिन के लगभग 500 से अधिक बच्चों के एनालिसिस के बाद है कि क्या कटअप रहने वाला है। इसमें आपका न्यूज़पेपर और जितने भी सोर्सेज हैं सबसे कंक्लूड करके ये निकाला गया है। इससे ज़्यादा ही ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, इससे कम भी कभी नहीं जाएगा। सो प्लीज़ आप इस पर ट्रस्ट कीजिए और यही कटअप रह सकता है। अगर आपके कटअप आपका नंबर इतना आ रहा है तो आप फिज़िकल की तैयारी कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि ओवरऑल वही मेरिट डिसाइड करने वाला है। तो प्लीज़ लगे रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।